नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवानी और मेरे इस चैनल बेसबॉल बेबी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है। आज का वीडियो का टॉपिक है कि हमें बच्चों का खाना किस बर्तन में बनाना चाहिए। फ्रेंड्स, आजकल जैसा आप लोग जानते हैं कि ज़्यादातर फैमिलीज़ में कुकर, जो प्रेशर कुकर होता है, जो हम स्टीमिंग या बॉयलिंग के लिए यूज़ करते हैं, दाल या राइस बनाते हैं उसमें, दाल या चावल बनाते हैं, वो ज़्यादातर इंडालियम या एल्यूमिनियम मेटल का यूज़ होता है। फ्रेंड्स, जब मेरे बेबी ने, जब वो 1 साल का हुआ और जब मुझे उसे, मैंने सोचा कि अब इसे सॉलिड्स पर अच्छे से लाना है, जैसे मतलब हम लोग प्रॉपर खाते, तो मैंने स्टेनलेस स्टील का हॉकिंस का प्रेशर कुकर मंगवाया उसके लिए। और अब मैंने क्या किया है कि मैं जो फैमिली का सारा खाना होता है, जैसे जो हम सब खाते हैं, मैं, मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मेरी बेबी को इंक्लूडेड हिम, तो हम सभी अब उसी कुकर में ही बना हुआ मतलब खाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली सिर्फ बच्चे का है। अगर आपको बच्चे के लिए कोई चीज़ अच्छी करनी है तो आप पूरी फैमिली को उस पर, उस अच्छी चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे के लिए अच्छा होता जाएगा। वैसे क्या होता है ना कि हम बच्चे के लिए अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि मैं जंक फूड मैं बच्चे को नहीं देती बाहर का, तो अगर मैं उसके सामने जंक फूड खाऊंगी तो मैं उसे कैसे मना कर पाऊंगी। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, बर्तनों का है, स्टेनलेस स्टील का प्रेशर कुकर यूज़ कीजिए और राइस को प्रेशर कुकर में मत बनाइए, उसे आप भगोने में बना सकते हैं। दाल बिना प्रेशर कुकर के कुक नहीं होती है इजीली, बहुत टाइम टेकिंग है वो प्रोसेस और उतनी अच्छे से कुक भी नहीं हो पाती है, वो उतनी मैश नहीं हो पाती है, तो उसे आपको प्रेशर कुकर में ही बनाना है। बाकी कोशिश कीजिए कि राइस जो है, चावल जो है, वो आप भगोने में बनाइए ढककर बिना मार निकाले। और बच्चों के लिए फ्रेंड्स क्या कीजिए, आप एक आयरन की, लोहे की कढ़ाई लीजिए, उसी में ही बच्चों की सब्जी, बच्चों का जो भी खाना है, कढ़ी छोड़कर, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में आप कोई भी खट्टी चीज़ नहीं बना सकते हैं, कढ़ी आप उसमें नहीं बना सकते हैं, पोहा उसमें नींबू जैसे पड़ता है तो आप उसे भी उसमें मत बनाइए। स्टील की कढ़ाई रखिए कढ़ी और पोहे के लिए, बाकी सारी सब्जियां आप बच्चे की बनाइए लोहे की कढ़ाई में फ्रेंड्स। और तवा, तवा तो हम लोग आयरन कर रखते ही हैं। इंडालियम और एल्यूमिनियम के सारे बर्तनों को फ्रेंड्स अपने किचन से आप डिस्कार्ड कर दीजिए, आपको उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो एल्यूमिनियम या इंडालियम है ये हार्मफुल मेटल्स हैं, ये हमें फ़ायदा नहीं करते हैं, इवन हमें ये नुकसान करते हैं बहुत तरीके से। तो इसलिए फ्रेंड्स आपसे यही कहूँगी कि बच्चों के लिए स्टेनलेस स्टील का प्रेशर कुकर, आयरन की कढ़ाई, आयरन का तवा, यही आप इस्तेमाल कीजिए। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ मेरा ये छोटा सा वीडियो आपके ज़रूर काम आएगा। अगर ये आपके काम आया है तो प्लीज़ इसे एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स।